शॉर्ट पेपर रिव्यू वीडियो सी इंटरमीडिएट आईपीसीसी पेपर नंबर टू लॉ की रिगार्डिंग में पहले बात कर लेते हैं न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स ले तो न्यू कोर्स का पेपर था क्वाइट मैनेजेबल। नवंबर 20 जनवरी 21 से अगर कंपेयर करें तो हाँ कुछ स्टूडेंट्स को लेंथी लग सकता है क्योंकि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे। नवंबर 20 जनवरी 21 में आपको 5 to 6 मार्क्स से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल गए थे, डायरेक्ट डेफिनेशन वाले की डिफाइन सी एस आर कमिटी डिफाइन एन सी एल टी ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए। इस बार आपको कमी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कमली लॉ में से क्योंकि वैसे भी कम चांसेस होते हैं, अदर लॉ में से तब भी आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि उसमें जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन का चैप्टर होता है। लेकिन वही बात करें ओल्ड कोर्स की तो ओल्ड कोर्स का पेपर था क्वाइट टफ अगर नंबर 20 और जनवरी 21 से भी कंपेयर करें और न्यू कोर्स से कंपेयर करें उससे भी। एक तो इंस्टीट्यूट ना तो ओल्ड कोर्स के अटैम्प्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं और ना ही और उनसे जो है ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट से टफ पेपर भी सेट कर रहे हैं। लेकिन वरी करने की जरूरत जब भी इंस्टीट्यूट टफ पेपर सेट करते तो उस हिसाब से वो लीनियंट चेकिंग भी करते हैं और आपको जितना आपने अटेम्प्ट करा उस हिसाब से आपको नंबर भी अलॉट करता है। तो वरी करने की जरूरत नहीं, आपको अपने नेक्स्ट पेपर के लिए फोकस करना चाहिए। हाँ न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस ऐड हुए थे न्यू स्टडी मटेरियल में उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। और अगर कोई ओल्ड कोर्स वाला स्टूडेंट जो कॉमन टॉपिक्स है कॉस्टिंग में उनके अगर वो रेफर करना चाहे तो उन क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हैं न्यू स्टडी मटेरियल में से। ऑल तो आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो न्यू कोर्स न्यू एडिशन में एड ऑन हुआ था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।